कोलकाता से ममता जी का, इनका सवाल है आरवीएनएल पर। 100 शेयर्स इन्होंने 192 पर लिया हुआ है, थोड़े ऊपरी स्तर पर ले लिया था क्योंकि हम देख रहे हैं कि 199 तो कंपनी का 52 वीक हाई है, उन स्तरों के पास लिया और वहां से स्टॉक थोड़ा नीचे आ चुका है। गौरांग आपसे सवाल होगा, आरवीएनएल पर फिलहाल तो नुकसान में है लेकिन बने रहने की सलाह देंगे अगर लॉन्ग टर्म निवेशक है तो? धन्यवाद पूजा आपका और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो सेक्टर के ऊपर यानी कि भारतीय रेल से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं, चाहे वो सरकारी हो या फिर निजी क्षेत्र की कंपनियां हो, उस पर मैं टिप्पणी करूंगा। रेल विकास निगम के ऊपर कोई स्पेसिफिक कवरेज नहीं है इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक ब्यौरा आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। हमारा अनुमान यह कहता है कि रेलवे क्षेत्र से जुड़ी हुई जो भी सक्षम और मजबूत कंपनियां हैं, फिर वो चाहे सरकारी हो या निजी क्षेत्र की, आने वाले समय में जिस तरह की योजनाएं सरकार ने रेल मंत्रालय के तरफ से हमने सुनी है, जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, उसको देखते हुए हमें लग रहा है कि रेलवे में फिर वो कोचेस बनाने वाली फैक्ट्री हो या फिर विस्तार योजना हो भारतीय रेल को लेकर के, या फिर एंटी कोलिजन सिस्टम जो सिग्नलिंग सिस्टम होती है वो हो, या फिर आधुनिक तकनीक से बनाने वाली नए ट्रेन, हाई स्पीड कॉरिडोर्स, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स वगैरह जो भी हो, रेलवे स्टेशन का भी आधुनिकरण हो रहा है। तो ये पूरा समीकरण अगर मैं सामने रखता हूं तो हमें लग रहा है कि जिस प्रकार से रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए शेयर यानी कि डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए कंपनियों ने रुझान पिछले 1.5-2 साल में दिया, उसी प्रकार का रुझान आने वाले समय में लंबी अवधि के लिए रेलवे से जुड़ी हुई कंपनियां देगी। तो ये निर्भर करता है कि आपने किस दृष्टिकोण से कौन सी कंपनी में निवेश किया है।